अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ये वीडियो भी प्रॉपर्टी टाइप्स के ऊपर है कि प्रॉपर्टी टाइप्स कौन कौन सी हैं। लास्ट हम पहली वीडियो सिंगल फैमिली पे बना चुका हूँ, उसके बाद मल्टी फैमिली जो टाइप है उसको बना चुका हूँ, फिर मल्टी फैमिली की टाइप्स की सब टाइप्स जो हैं उसके ऊपर, डुप्लेक्स पे, ट्रिप्लेक्स पे, फोरप्लेक्स पे, फिर लास्ट वीडियो उसके बाद कंडोमिनियम पे बनाई थी, जिसको शॉर्ट में कंडो कहते हैं, और ये वीडियो टाउन हाउस के ऊपर है कि टाउन हाउस क्या होता है। ठीक है, और वीडियो पूरी देखना तभी फ़ायदा होगा भाई, नहीं देखोगे तो आपका नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। ठीक है, आपने सीखना है ना, मैं तो सिखा रहा हूँ, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ पता है। अच्छा, जितना पता है मैं तो बता रहा हूँ ना, आपने अगर सीखना है तो आपको देखनी पड़ेगी ना, वीडियो पूरी देखोगे तो फ़ायदा होगा। और अगर चैनल पे भाई नए आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर जाओ, और कर जाओ नहीं यार, कर दो, दोबारा भी आना है, ट्रेनिंग नहीं लेनी, और बेल नोटिफिकेशन को जो ना ऑल पर क्लिक कर दें, सारी वीडियो मिलती है, नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं अपलोड करूँगा। वैसे मैं डेली तकरीबन अपलोड कर रहा हूँ, शायद कभी कभार एक आधा दिन हो जाता है अंदर से। ठीक है, खैर, अच्छा टाउन हाउस पे बात कर रहे हैं। टाउन हाउस क्या है? ठीक है, टाउन हाउस एक तो है, ये मल्टी फैमिली की ही सब टाइप है, मल्टी फैमिली टाइप है और ये सब टाइप है टाउन हाउस। अब टाउन हाउस यार माइंड में एक बात जाती है, सिंगल फैमिली के बारे में मैंने बताया था कि सिंगल फैमिली होम्स कहते हैं उनका, मैंने बताया था ना कि कोठी टाइप, हवेली टाइप, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन सिंगल फैमिली सोच के जाता है यार छोटा सा घर होगा, सिंगल फैमिली होम्स क्या है, सिंगल फैमिली रेजिडेंस छोटी सी होगी ना। ठीक है, लेकिन वो क्या था, वो कोठी टाइप जो चीज़ होती है ना उसको कहते हैं, साइड पे बाउंड्री और उसके बाद अंदर खाली जगह, फिर अंदर बिल्डिंग की थोड़ी सी जगह होती है। अब टाउन हाउस क्या है? टाउन हाउस जहन में जा रहा है यार टाउन हाउस, ठीक है, लेकिन भाई छोटा सा। अब शहरों में आपने देखा होगा या मोहल्लों में कह रहे हैं, एक घर होता है, अलहदा एंट्रेंस है, साथ दीवार एक है, वो कहते हैं ना यार दीवार का हिस्सा है, कह देते हैं दीवार का हिस्सा है, वो इजली भी तो इजली उर्दू में आ जाते हैं, सॉरी। दीवार यानी कि कट्ठी होती है, एक ही सेंटर में दीवार है, इधर भी घर है, इधर भी घर है, अगली दीवार के साथ फिर घर है, अगली दीवार के साथ फिर घर है, लाइन में घर है। ठीक है ना, अब लाइन में घर होते हैं, जैसे गली कहते हैं, गली नंबर फलाना, मकान नंबर फलाना, मकान आगे चल रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जो मकान चल रहे हैं, जो सेपरेट एंट्रेंस होती है, लेकिन कट्ठी नहीं है, सेपरेट एंट्रेंस है, और आपको थोड़े पैसों में सिंगल फैमिली वाला मज़ा मिल रहा है, अकेला घर है, अकेले आप रह रहे हैं, इसको टाउन हाउस कहते हैं। ठीक है ना, ये टाउन हाउसेज होते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है, एक लाइन के अंदर मोहल्ले के अंदर घर है उसको आप टाउन हाउस कहेंगे, कि आपकी दीवारें इकट्ठी हैं, ठीक है, लेकिन आपकी सेपरेट सेपरेट एंट्रेंस है। हो सकता है सबका स्ट्रक्चर एक ही बना हो, एक ही तरह से बने हो, एक ही जगह पर बैठक बनी है, एक ही जगह पर आपका गेट लगा हुआ है, एक ही जगह पर वाशरूम की जगह है, सहन है, कमरे हैं, ऊपर नीचे जो भी है, लेकिन सेपरेट एंट्रेंस है और सेम स्ट्रक्चर भी है। वहाँ तो सेम ही तकरीबन चलता है अमेरिका में, लेकिन यहाँ हम तो अपनी मर्जी से बनाते हैं ना। ठीक है, तो एक गली के अंदर, एक लाइन के अंदर, रोड के ऊपर एक रो में जो होम्स होंगे जिनकी एंट्रेंस सेपरेट होगी, दीवारें इकट्ठी होंगी, यानी कि दीवारें जो हैं साथ साथ हैं, इस दीवार के साथ इधर घर है, ये घर है, इधर दीवार है, फिर इधर घर है, फिर दीवार है, फिर घर है, ठीक है, उसको टाउन हाउस कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है मैंने यार सही तरीके से किया होगा, ब्रीफ किया होगा, इंशाल्लाह समझ आ गई होगी यार। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।